हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें, काफी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका था। अब हम लोग आ गए अपने लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक, लेक्चर नंबर 2 में देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। यानी कि अगर एक इस तरीके का मान लो एक कॉइल है, इस तरीके का मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस कॉइल की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्यारे बच्चों बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसकी वजह से कैसा होगा। देखो, अगर मान लो ये डायग्राम क्या है, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। इस डायग्राम में हम लोगों ने एक इस तरीके का कार्डबोर्ड लिया है और इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड में एक होल किया इधर और एक होल किया इधर। ठीक, इधर से वायर को घुमाकर इसके अंदर ऐसे डाला गया है और इस तरीके से ये एक लूप बनाया गया है। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको समझना है तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहां पर आप देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, तो इधर करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर करंट नीचे जा रहा है तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में होंगी ना। ठीक, सिमिलरली इस वाले में से करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में होंगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, तो सेम वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए यहां पर ड्रॉ किया गया है। इस वाले वायर के लिए कंसेंट्रिक, ठीक, इस वाले वायर के लिए भी कंसेंट्रिक। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो लगभग स्ट्रेट होगी दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों ही वायर से दूर है। क्लियर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगा हमें। ठीक, अब आइए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। लूप में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज शोन इन दिस फिगर। तो ये पैटर्न हमें दिया गया है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। लूप के आसपास कैसा है, सर्कुलर है। एज वी मूव अवे द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस बढ़ेगा और वो सर्कल बड़े बड़े होते चले जाएंगे। एंड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, इस लूप के सेंटर पर अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। यानी कि इस सेंटर वाले रीजन पे, यहां पर एम पॉइंट जहां पर है ना, यहां पर इस वाले रीजन पर अगर देखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी स्ट्रेट। लेकिन देखो, ये डायग्राम जो आपको शो किया गया है ना, ये डायग्राम तो 2D में बनाया गया, बट ये है एक्चुअली में 3D डायग्राम। क्लियर, तो समझो, इमेजिन करो जरा, ये वायर ऐसे यहां पर अंदर जा रहा है, यहां पर अंदर जा रहा है और इधर से निकला था, इधर से निकला था, इधर अंदर जा रहा है। ठीक, तो यहां जहां से निकला था वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक, जिधर अंदर गया है यहां भी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं इस प्लेन पर। क्लियर, तो सेंटर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस प्लेन में है बेटा, ऐसा है वो। ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे है, लाइक दिस। 3D डायग्राम है प्यारे बच्चों, 3D डायग्राम है, 2D में रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान से समझिएगा, समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम लगे तो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में स्ट्रेट होती है। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट सेंटर। अगर इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाएगा तो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला इसमें कितना करंट है, दूसरा उस लूप का रेडियस कितना है। तो आइए देखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। कि भाई सर्कुलर लूप में कितना करंट है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। सो बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर, कंबाइन आप लोग करोगे इसको तो बनेगा वैल्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2/r। ये इसका बेटा फॉर्मूला है, जहां पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 4π into 10 to the power minus 7। मतलब ये फार्मूला आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, डिराइव करोगे,
अभी मैंने आपको बता दिया है बस कि जाने रहो, ये फार्मूला होता है, इसका यूज अभी फिलहाल आपको क्लास टेंथ में नहीं करना है, क्लियर। म्यू नॉट जो है उसका भी कुछ मतलब है, उसकी भी बात हम लोग ट्वेल्थ में करेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपके लिए कठिन इसको नहीं करना चाहता, ठीक। नेक्स्ट है क्लॉक फेस रूल। प्यारे बच्चों, क्लॉक फेस रूल का मतलब ये है किसी एंड पर, मान लो ये एक वायर है, एक मान लो एक कोई कंडक्टर है, इस पे वायर ऐसे ऐसे लपेटा गया है, ठीक। अगर एक एंड से देखने पर, इधर से देखने पर, अगर मुझे इधर से देखने पर जो वायर है वो क्लॉक वाइज घूमता दिखाई पड़ा, क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज का मतलब है ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। देखो साउथ पोल को ऐसे घुमाओगे क्लॉक वाइज बनेगा, तो क्लॉक वाइज अगर देखने को आपको वायर मिल रहा है तो वो एंड कैसा है, साउथ पोल है, और अगर ये वाला एंड साउथ पोल है तो ये वाला 100% नॉर्थ होगा, है ना। तो इधर से देखने पर अगर ये क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने पर 100% एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्यारे बच्चों नॉर्थ पोल होता है। तो इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर विल बी साउथ। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, और अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है प्यारे बच्चों तो वो आपका नॉर्थ पोल होगा, क्लियर। तो सिंपल है, वायर किस तरीके से घूम रहा है उसको देख करके ही हम लोग ये बता सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, ठीक। प्लीज नोट दैट इफ डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इन फ्रंट फेस ऑफ द wire is clockwise, then direction in the back face will be certainly anti-clockwise. Simple. एक तरफ से देखने पर अगर clockwise है तो दूसरी तरफ से देखने पर anti-clockwise ही होगा, इसमें कोई doubt वाली बात प्यारे बच्चों नहीं है, clear? देखो 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 देखो, इधर से मैं अपने इस finger को मैं clockwise घुमा रहा हूं, मैं ऐसे clockwise घुमा रहा हूं, लेकिन आपको जो दिख रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं क्लॉकवाइज, इधर से मैं क्लॉकवाइज देख रहा हूं तो आपको इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, क्लियर। तो एक तरफ से क्लॉकवाइज अगर वायर घूमेगा तो वो दूसरी तरफ से 100% एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा तो प्यारे बच्चों दूसरी तरफ साउथ पोल ही होगा, क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो जरा ध्यान से समझो सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉपर वायर होगा, इंसुलेटेड होगा, और उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसको बार 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 यहां पर ऐसे घुमा दिया जाएगा। तो देखिए, ये चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का आप एक सिलेंडर ले लो, उसके ऊपर इस तरीके से आप वायर को लपेटो, कॉपर वायर को बार बार, ठीक, और फाइनली उसको लाके किसी एक बैटरी से जोड़ दो, ये एक स्विच लगा दो। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, बोलो बैटरी के थ्रू करंट जाना शुरू करेगा, और वो करंट उसी कॉइल में बार 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 घूमेगा। जब करंट वहां पर बार बार घूमेगा तो वो करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप चेक करो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, है ना। एक तरफ से देखने पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक तरफ से देखने पर अगर वायर आपको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है, मतलब इधर एंड से आपने देखा और आपको जो वायर है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये पोल कौन सा होगा, दैट विल बी साउथ पोल। अगर मैं इसको साइन के साथ दिखाऊं, सिंबल के साथ, तो दैट इज साउथ पोल क्लॉकवाइज, एंड इधर से ऑब्वियस है फिर वो नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो एक तरफ से साउथ, एक तरफ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखाओगे तो नॉर्थ से निकालो साउथ में ले जाओ, साउथ से वापस नॉर्थ में ले आओ, फिर नॉर्थ से निकालो साउथ में ले जाओ, साउथ से वापस नॉर्थ ले जाओ, फिर ऐसे ऐसे आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न प्यारे बच्चों बना सकते हैं। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है, सोलेनोइड के अंदर इस रीजन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है, मतलब इस रीजन में प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इस अंदर वाले रीजन में, यानी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन,
लेकिन आउटसाइड द सोलेनोइड अगर हम लोग देखें तो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहां 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 किसी भी इस तरह के पॉइंट्स पर अगर आप देखोगे इन सब किसी भी पॉइंट पर, आउटर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी वीक, जिसको मैं नियरली जीरो मान सकता हूं। ठीक, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के कंपैरिजन। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बिल्कुल बार मैग्नेट की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर वाले रीजन में अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता दूं, जो कि आप 12th क्लास में डिराइव करेंगे, दैट इज म्यू नॉट एन आई। वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट एन आई। प्यारे बच्चों, यहां पर एक एक करके जरा समझो। म्यू नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, वैल्यू मैं एज इट इज आपको बता रहा हूं, उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी आप मत जाइए। 4π × 10⁻⁷। स्मॉल एन का मतलब है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? सो स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल भी लिखा जा सकता है। स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल भी हम लोग लिख सकते हैं। कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। ठीक, टोटल लेंथ इसका कितना है? एल। टोटल लेंथ ले लो एल। ठीक, जैसे मान लो एक मीटर में 100 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो 100/1। क्लियर? दैट इज स्मॉल एन। और आई का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, करंट इन दिस वायर। क्लियर? सो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। हालांकि म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, उसकी बात आपसे किया जाएगा जब आप 12th क्लास में आओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बेटा डेप्थ में देखो जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम है। सिर्फ उतनी चीजें आप समझो अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में। क्लियर? सो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं जस्ट फॉर सम जनरल नॉलेज एंड जस्ट फॉर सम फील, की फील आए भाई, है ना? तो फील ले लो, बट इसको बहुत ज्यादा लिखने की, याद करने की या बोर्ड एग्जाम में लिखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। क्लियर? सो म्यू नॉट इज व्हाट? परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। परमेबिलिटी क्या होता है ये सब बताएंगे जो आप लोग 12th क्लास में आओगे। फिलहाल सोलेनॉइड का ये पैटर्न होता है। आइए जरा इसके फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो हिंट, 10th क्लास में हिंट दिया गया है, फॉर्मूला नहीं बताया गया बट हिंट दिया गया है। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, तो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, भाई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लार्जर द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है प्यारे बच्चों, यहां पे अंदर ये जो रीजन है, इस रीजन में ये जो मटेरियल होगा, ठीक, वो मटेरियल क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। देखो पीछे वाले फॉर्मूले में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट एन आई, जिसमें म्यू नॉट परमेबिलिटी है वैक्यूम का। तो बेटा जब कोई मीडियम अंदर होगा तो फिर उस मीडियम का परमेबिलिटी होगा, है ना? मीडियम का परमेबिलिटी करोगे तो यहां पर एक टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। इसीलिए यहां पर आपको बोला गया तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा है करंट, तीसरा है आपका कोर मटेरियल, कि भाई मटेरियल क्या है अंदर का। ठीक, जनरली अगर सॉफ्ट आयरन यूज कर लिया जाए कोर पर, अंदर सॉफ्ट आयरन यूज कर लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लो बढ़ जाता है। क्लियर? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आइए देखते हैं। द एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, बिल्कुल सोलेनोइड टाइप की चीज है। देखो इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया गया, उसके ऊपर हम लोगों ने इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को लपेट रखा है, एक बैटरी जोड़ा है, एक स्विच जोड़ा है। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे है ना, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ढेर सारा करंट यहाँ बार 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 घूमता रहेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड wrapped around soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराओगे वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज होकर के वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब आपको टेम्परेरी मैग्नेटिज्म चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि अभी मैग्नेटिज्म यहां पर आ जाए, ठीक, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्यारे बच्चों यूज करते हैं। जब परमानेंट मैग्नेटिज्म चाहिए होता है तो फिर इसका यूज नहीं करते हैं। देखो इसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी तक है जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इसमें फ्लो होने वाला करंट बंद हुआ, तुरंत मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का कोर होता है बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। देखो इंसान जो होता है बेटा वो बड़ा सेल्फिश होता है ना। अभी बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, देखो हम लोग सिर्फ तभी तक मैग्नेटिज्म चाहते हैं जब तक हमें नीड है, जब तक हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, अब हम चाहते हैं मैग्नेटिज्म वहां से खत्म हो जाए, क्लियर। तो हम चाहते हैं जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करें करंट खत्म हो, तुरंत मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर में हो पाता है, ठीक। इसके अलावा किसी और मटेरियल को ले लो तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। ऑन द अदर हैंड इफ स्टील इज यूज्ड, अगर स्टील को आप यूज करोगे फॉर कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म इजिली, है ना। स्टील डज नॉट lose all of its magnetism when the current is switched off. Current को switch off करने के बाद भी, current stop करने के बाद भी, उस steel में कुछ ना कुछ magnetism रहेगा। यानी कि steel आपका कैसा magnet हो गया, that is a permanent magnet, लेकिन हमको कैसा चाहिए था, temporary magnet चाहिए था। This is why steel is not used for making electromagnets. इसी वजह से स्टील का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए प्यारे बच्चों नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेगा और फिर वो उसको लूज नहीं करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि अगर इस तरह का मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा, देखो येलो कलर से शो किया गया है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा आएगा। द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो कराओगे मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा आएगा। द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, है ना, एयर गैप का ये जो पोल्स के बीच में ये जो एयर गैप है ना, ये वाला, ये जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिज्म उतना कम होगा। इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक। तो हमको ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो। क्लियर है मेरे बच्चों, तीन चीजों पर डिपेंडेंसी है। अब आइए मैं आपको डिफरेंस बताता हूं किसी भी बार मैग्नेट, जिसको आप परमानेंट मैग्नेट कहते हो, नेचुरल मैग्नेट कहते हो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। आइए देखते हैं, बार मैग्नेट जो होता है दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट प्यारे बच्चों कैसा मैग्नेट है, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। पहला डिफरेंस का पॉइंट है कि बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्पररी है। द इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट्स, सो मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ एज डिजायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, जब तक करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ तब तक वो बढ़िया मैग्नेट है, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे लूज हो जाएगा।
क्लियर। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसर्स कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब परमानेंट मैग्नेट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इसमें सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा जो है मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। सो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं दे आर वीक मैग्नेट्स, बट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड by changing number of turns in the coil, by changing current passing through the coil. अगर आपका मन है स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, करंट की वैल्यू बढ़ा लो, तो मैग्नेटिज्म उसका बढ़ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो या करंट कम कर दो, अपने आप वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, यानी कि जो किसी भी परमानेंट मैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक। इट cannot बी changed, बट पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी changed. ठीक, by reversing the direction of current, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सब कुछ आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बट जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट है, उसमें ऐसा नहीं हो पाता है, उसमें जो है वो एज इट इज रहेगा, इसीलिए उसका नाम है दैट इज परमानेंट मैग्नेट। ठीक, तो पहली बात परमानेंट है, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, इसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी को भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। ये इनके बीच का जो मेजर डिफरेंसेस है। अब आइए जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड, poles of an electromagnet will be unchanged if current in electromagnet winding were doubled. देखो, current को double करोगे तो magnetism double हो जाएगा। Direction of the current in electromagnet winding were reversed. Direction को अगर आप current की direction को अगर आप reverse करोगे तो उससे सिर्फ polarity पर फर्क पड़ेगा, but I think strength पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Distance between the poles of the electromagnet were doubled. देखो, distance का तो फर्क पड़ता है, material का भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो best answer है प्यारे बच्चों, That answer is B part, है ना? Direction reverse करने से सिर्फ polarity पर फर्क पड़ेगा, strength पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? Next, the diagram given below represents magnetic field caused by current carrying conductor, which is a long straight conductor. देखो, अगर एक long straight conductor होता तो उसकी वजह से जो magnetic field होता है that is circular, concentric circles. ठीक, सर्कुलर कॉइल, कॉइल के लिए हो सकता है, सोलेनोइड, शॉर्ट स्ट्रेट वायर, तो ये एक सर्कुलर कॉइल का है। याद करो, आपको मैंने बताया था कि अगर एक कॉइल है जो कि ऐसे है ना, कॉइल यहां पर एक्चुअली ऐसा था, ठीक, तो इधर एक हम लोगों ने एक ऐसा टेबल रखा था कह लो, और उसके नीचे इस तरीके से था ना, कुछ इस तरीके का। ये इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेटा पैटर्न है, सो दैट इज फॉर अ सर्कुलर कॉइल, क्लियर। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, अच्छा उसके अंदर का करंट, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इज जीरो, डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। किसी भी सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, ठीक, दैट इज यूनिफॉर्म, वैल्यू म्यू नॉट एन आई के बराबर था, मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें डिफाइन करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, नहीं, अगर एक बड़ा सा वायर तो भाई कंसेंट्रिक सर्कल होना चाहिए ना, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस, कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई कंसेंट्रिक सर्कल जैसा वर्ड तो केवल डी में ही है ना,
ए बी और सी में तो सर्किल वर्ड ही नहीं यूज किया गया, तो वो तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आइए जरा देखते हैं। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजिली बाय यूजिंग। देखो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी अगर चाहिए तो उसके लिए आपने कौन सा रूल यूज किया है? क्लॉक फेस रूल आपने पढ़ा है ना? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, क्लॉक फेस रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। सो क्लॉक फेस रूल इज द करेक्ट आंसर। फ्लेमिंग साहब का जो लेफ्ट हैंड रूल है, भी आप आगे पढ़ोगे तो वो लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल का यूज आप करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। फिर राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल जो है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड करेंट की डायरेक्शन के लिए आप इसका यूज करोगे। क्लियर? क्लॉक फेस रूल तो आपको पता ही है, पोलैरिटी को निकालने के लिए यूज करते हैं। एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, है ना, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, दिस एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल। देखो अगर क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस है दैट विल बी अ साउथ पोल, है ना, क्लॉकवाइज है तो दैट शुड बी अ साउथ पोल, सिंपल सी बात है। लाइक दिस क्लॉकवाइज है बेटा तो साउथ पोल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनोइड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस एंड ऑफ द सोलेनोइड विल बी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट शुड बी नॉर्थ पोल, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ है। लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, स्टील। तो सबसे बढ़िया है सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का नहीं होता है। जब तक आपने करंट फ्लो कराया तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, जैसे ही आपने करंट को बंद किया, स्टॉप किया, तो मैग्नेटिज्म भी स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाई ओरस्टेड, है ना, ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था, सिंपल, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। द सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इन साइड करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड। अगर आपने सॉफ्ट आयरन बार को इंसर्ट किया तो मैं आपको बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड बेटा बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज। ठीक, कोई भी अगर आपने वहां पर आयरन कोर, कोई भी ऐसा मटेरियल, मेटल अगर आपने इंसर्ट किया तो मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, वो बढ़ जाएगा। फॉर्मूला आप कहो तो वैसे 12th क्लास में, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, अगर वहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ठीक, तो म्यू नॉट रखा जाता है। लेकिन वैक्यूम ना हो, कोई मीडियम है जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, तो वहीं पर म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाएगा। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि एक से तो बड़ी होती है। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो जब मल्टीप्लाई करोगे एक से बड़े नंबर का तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपसे पूछना है तो वो इक्विडिस्टेंट होगा, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, सो दैट शुड बी पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की एक्सेस के पैरेलल। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करेंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। फ्रंट फेस जो है वो नॉर्थ की तरह है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज, अगर नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियस है दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, द बैक फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल, द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप, अगर साउथ है तो दैट शुड बी क्लॉकवाइज। ठीक, सिंपल है, देखो नॉर्थ है एंटी क्लॉकवाइज, साउथ है तो क्लॉकवाइज, सिंपल। अब आते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। अरे बच्चों, हम लोग की जो बॉडी है, हम लोग की बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड
फील होती है। हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स हैं, दिल और दिमाग, यानी हार्ट एंड ब्रेन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसा हम लोग कहते हैं ना, ओरस्टेड साहब ने प्रूव भी कर दिया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब अगर बॉडी में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास वायर, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी तरीके से। अब देखो कैसे फ्लो होता है बॉडी में। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। हम की बॉडी में बहुत ही वीक करंट फ्लो होता है बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। दीज आर कॉल्ड आयनिक करंट्स। अनोखी बॉडी में बहुत ही स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो सकता है आयंस के मूव करने से। आयंस तो होते हैं ना, ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम लोग खाते ही हैं, है ना। सॉल्ट जो है, अगर सिंपल मैं नमक की बात करूं, सॉल्ट NaCl, जैसे ही आप उसको खाते हो पानी में, सॉल्ट में अगर वाटर डाला जाए प्यारे बच्चों, तो Na+ और Cl- अलग हो जाते हैं ना। तो आयंस तो है ना आपकी बॉडी में, तो अगर वो आयंस मूव करेंगे तो बहुत स्मॉल आयनिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। सो व्हेन वीक आयनिक करंट फ्लो अलोंग नर्व सेल्स, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन अवर बॉडी। नर्व सेल्स में जैसे ही आयंस फ्लो करते हैं तो वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू टच समथिंग विद आवर हैंड, आवर नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिक इंपल्स टू अप्रोप्रिएट मसल। जब भी आप किसी चीज को टच करते हो तो आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है ना कि भाई हमने इस चीज को टच किया, ठीक। तो जब वो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट्स टेम्परेरी मैग्नेटिज्म इन द बॉडी। तो यही जो इंपल्स है ना, उसी ने एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया। द मैग्नेटिक फील्ड इन द ह्यूमन बींग इज वेरी 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 वीक एज कंपेयर टू द अर्थ मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो ऑलरेडी काफी वीक है ना, वैल्यू जो उसकी है, और बॉडी में जो होता है वो और ज्यादा वीक हो गया। द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड ब्रेन, यानी दिल और दिमाग। आपकी बॉडी के दो ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है हार्ट एंड ब्रेन, क्लियर। चलो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और ये 1821 में फैराडे साहब ने बताया। इन 1821 फैराडे डिस्कवर्ड दैट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर व्हिच मेक्स द कंडक्टर मूव। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर किसी रीजन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और आपने उस रीजन में किसी एक कंडक्टर को रखा है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के बारे में उन्होंने बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो, ठीक। जहां पर ये थीटा किसके बीच का एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या कह लो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है ये थीटा। ये तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। सो एफ इज इक्वल टू के टाइम्स आई एल बी साइन थीटा, जहां पर ये जो k होता है ये k आपका 1 के बराबर है, वैल्यू ऑफ द k इज 1, सो वैल्यू ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, क्लियर। i करंट है, l लेंथ है, b मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा जो है उसमें थीटा एंगल है। मैं लिख दे रहा हूं, थीटा is angle between theta is angle between magnetic field and length vector, magnetic field और length vector, और length vector का direction वही है जो समझ लो current का है, है ना। length vector में आप सीधे सीधे समझ सकते हो direction of करंट,
जो करंट का डायरेक्शन है बेटा वही लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन हो, क्लियर? तो आप मोटा मोटा ये भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का डायरेक्शन होता है थीटा। सो वैल्यू इज आई एल बी साइन थीटा, क्लियर? ये किसने बताया था? फैराडे साहब ने 1821 में, 1821 में। अब आइए जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। भाई फोर्स की वैल्यू तो पता चल गई आई एल बी साइन थीटा होती है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कैसे? फोर्स का डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग साहब ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो सबसे पहले ये मेरा लेफ्ट हैंड है और आप भी अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करिए, क्लियर? एडजस्ट योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द एक्सटेंडेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर? सो फोर फिंगर, ये जो पहला फिंगर है फोर फिंगर, इसका नाम क्या है? फोर फिंगर। फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एक्सटेंडेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर, क्लियर? तो जरा आइए रूल को पढ़ते हैं, क्या है हमारा रूल। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट right angles to one another, adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, center finger या central finger in the direction of the current, then the direction in which thumb points gives the direction of the force acting on the conductor, ठीक? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है प्यारे बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, आप समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट है। ये पूछा जाता है कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो उसको आप एज इट इज इस लैंग्वेज को याद कर लो, ऐसा लिखो, या फिर जो मैंने बोला था वो आप भी उसको भी आप लिख सकते हैं कि इफ फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड is kept mutually perpendicular to each other such that four finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then extended thumb will indicate the direction of the force on the conductor, clear? इस तरीके से बेटा आप लिख सकते हो, अगर ऐसा डायग्राम बना पाओ तो बना देना, अच्छा रहेगा, है ना? नहीं तो फिर ये वाला एक डायरेक्शन तो आपको फिर ये वाला डायग्राम तो बना नहीं, ठीक है? सो गाइज, इस वाले आपके सेशन में हम लोग यही इतना रखते हैं। यहां पर मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, फ्लेमिंग साहब का रूल है, फोर्स की वैल्यू है, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। अब जो अपना अगला सेशन होगा, अगला जो लेक्चर होगा, वो शायद थोड़ा सा लेंदी होगा, बट उस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के जो बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे, है ना? और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो लेक्चर, वो सेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन भी आपको बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगा होगा, समझ में आया होगा एक एक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।